हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्नेक से बड़ा होल पे। तो गाइस, मैंने कल आपको एक मोनोक्लेट कोबरा को रेस्क्यू किया था, आप लोगों ने देखे ही होंगे। तो रात के ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इसी वजह से लेट हो गया था, इसी वजह से मैं रिलीज़ करने नहीं गया। तो अभी अभी मतलब मेरे एक दोस्त के घर में और एक कॉल आया है, तो वो लोग तो मतलब वो पहचानता है कौन सा सांप है, तो उसने बोला कि रेड स्नेक है। तो अभी मैं उसके घर में जाऊंगा और जाके रेस्क्यू करूंगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और मैं रेड स्नेक और वो मोनोक्लेट कोबरा को दोनों को एक साथ रिलीज़ कर दूंगा रिजर्व में अभी ले जाके। तो आप लोग वीडियो पे आखिर तक बने रहिए गाइस, थैंक यू। कपड़ा वगैरह है, इसी वजह से चूहा आता है, इसीलिए चूहा खाने के लिए आ गया शायद। देखिए कैसे बैठा हुआ है, इधर जोड़ा खुले दिए, इधर जल्दी चूहा या मेंढक कुछ खाया होगा, पेट फूला पता है तो गाइस यहीं पे दोनों को रिलीज़ कर देंगे। तो ये हमने कल रात को शारदा मुनि पथ से रेस्क्यू किया था, ये मोनोक्लेट कोबरा है, और ये अभी अभी मेरे एक दोस्त के घर से रेस्क्यू किया, ये रेड स्नेक है। ये नॉन मेनाउस से गाइस करीब 8 फीट तक होगा, ये इसका जहर नहीं होता है, और ये हाईली मेनाउस है गाइस। तो अभी पहले इसको रिलीज़ कर देंगे, इसके बाद मोनोक्लेट कोबरा को रिलीज़ करेंगे। ये शायद कुछ खाया था तो उल्टी कर दिया रेस्टोरेंट।
ये करीब 8 फीट तक था गाइस, 8 साढ़े 8 फीट होगा। बहुत ही बिग साइज का गाइस, देखिए तो गाइस देखता हूँ ये क्या खाया होगा। मेंढक खाया था गाइस, अभी भी जिंदा है गाइस मेंढक, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही खाया था। हम अभी मोनोक्लेट कोबरा को रिलीज करेंगे। तो गाइस ये बहुत गुस्से में होगा, कल रात को ज़्यादा लेट हो गया था इसी वजह से इसको रिजर्व में लेके नहीं आया, क्योंकि एलिफेंट वगैरह निकलते हैं रिजर्व में, तो इतनी रात को आना हम लोगों के लिए भी इम्पॉसिबल है। देखिए वो मोनोक्लेट कोबरा,